लेकिन पुलिस को तो बताओगी ना? पुलिस को कौन बताएगा कि मैं प्रांजल के बारे में जानती हूँ? तुम बोल रही हो कि मेरा बेटा ईशान इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और ईशान को कौन बताएगा? अगर आप लोगों में से किसी ने भी पुलिस को मेरे पति के बारे में कुछ भी कहा तो वो आप लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। मेरे पति पर जरा सी भी आंच आई तो मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे पति ने किसी की जान ली या नहीं ये भगवान जानता है, लेकिन मैं उसकी जान जरूर ले लूंगी जो मेरे पति के बारे में कुछ भी कहेगा। अगर आपको अपने बेटे पर विश्वास है तो अपनी बहू पर भी विश्वास करना सीखिए, क्योंकि मैं और प्रांजल अलग नहीं हैं, एक है, और विश्वास भी एक ही होता है। बहुत कुछ खो चुकी हूं मैं, अब और नहीं। तुम दोनों बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगा ईशान दक्ष को लेके जा रहा है, इसीलिए तुमने उसका पीछा किया? जबकि गाड़ी में दक्ष नहीं देव था। तुम्हें दक्ष और देव में कोई फर्क नजर नहीं आता? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पलक, देखो बेटा, माँ भी यहां आ गई। उनको अंदेशा हो गया कि घर में कुछ बुरा होने वाला है। माँ तो मेरे लिए भगवान, मैं जानती हूं वो मेरे प्रांजल को बचा ले। सुषमा, चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पलक, मुझे बताओ प्रांजल कहाँ है, मैं उसके लिए पूजा करूंगी। यकीन मानो, मैं उस पर आ जाने नहीं दूंगी। पलक, क्या सोच रही हो? माँ को बताओ प्रांजल कहाँ है। I'm sorry माँ, मैं कुछ भी नहीं बता सकती। बताओ प्रांजल कहाँ है। मम्मी जी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। वो मेरा बेटा है, तू मुझे नहीं बताएगी? नहीं, वो मेरा पति है और मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, भगवान को भी नहीं।